एकेएस विश्वविद्यालय सतना की खबरों में आपका स्वागत है और खबरों के साथ मैं हूं सत्यभूषण सिंह। विश्वविद्यालय के सभागार C11 में विद्वजनों ने सेक्सुअल हरेसमेंट विषय पर छात्राओं को जागरूक किया। इस विषय पर कानूनी प्रावधानों एवं लीगल चीजों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान विश्वविद्यालय की फैकल्टीज की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। उन्होंने भी छात्राओं को इस विषय में जागरूक किया और उनके अधिकारों के बारे में बताया। कार्यक्रम में संबोधन देने वालों के कुछ खास पहलुओं के छोटे छोटे दृश्य। उसमें भी फार्मेसी डिपार्टमेंट से फैकल्टी मेंबर है प्रियंका गुप्ता मैम। तो ये हमारे कमेटी मेंबर्स हैं जो किस टाइप की प्रॉब्लम्स को, जो भी गर्ल्स के साथ किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो रही है तो वो सब आप उनके पास पहुँचाइए, आप कंप्लेन बताइए और हम उसको सॉल्व करेंगे। तो आज और ये कैसा है क्योंकि बच्चे जनरली बताते नहीं हैं, स्टूडेंट्स गर्ल्स जो हैं उस चीज़ को छुपा लेते हैं और जब ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तब ये प्रॉब्लम हमारे पास आती है। तो हम ये चाहते हैं कि आपके साथ कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप हमसे शेयर करिए, इन मेंबर्स को पहले बताइए, हम पूरे आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यही हमारा इस प्रोग्राम का भी मोटो है कि हम आपको इस चीज़ से अवेयर कराएँ। हो और चाहे वो हमारे इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की पढ़ने वाली कन्याएं हैं, छात्राएं, उनको एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए जो उनके लिए अनुकूल, कंजीनियल, होमोजीनियस, एंड द इंस्टीट्यूशन शुड ट्रीट ऑल द मेल एंड फीमेल एट पार। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, और यदि किसी प्रकार का भेदभाव किया जाता है या किसी तरह से किसी को प्रताड़ित किया जा रहा उसके लिए ये एक्ट बना है, सेक्सुअल हैरेसमेंट कमिट एक्ट बना है और इसमें नॉन पेलेबल प्रोविजंस दिए हुए हैं। यदि ये प्रमाणित हो जाता है तो किसी भी मेल को, व्यक्ति को इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान भी। विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रावे के तहत लगातार कार्य कर रहे हैं। इसी विषय पर रावे के विद्यार्थियों के द्वारा किए गए कुछ कार्यक्रम। स्टूडेंट है, BSc 7 के सेमेस्टर के स्टूडेंट है। हमने रावे प्रोग्राम के अंतर्गत हमें ग्राम नारायणपुर मिला गया, जिसमें हमने किसान संगोष्ठी का आयोजन किया। किसान संगोष्ठी की अध्यक्षता वहाँ के सरपंच द्वारा की गई, जिसमें हमने हमारे यूनिवर्सिटी के डॉक्टर उमर सिंह द्वारा वहाँ पे किसानों को कृषि संबंधी जानकारी दी। इसमें किसानों भी अपने क्वेश्चन किए, जिसके तहत उन्होंने किसान संबंधी प्रत्येक प्रकार की जानकारी उन्हें प्रदान की गई। साथ ही साथ हमने ग्राम ने टूटी फूटी का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें कि महिलाओं को, ग्रामीण महिलाओं को किस प्रकार से घर में पपाया केले वगैरह होते हैं, आंवला होता है खेतों में, जिससे कि वो उसको प्रोडक्ट बना के बेच सके मार्केट में, जिससे वो आय प्रमाण प्राप्त कर सके। खराब होने के कारण अब वो बोरा जो है 50 किलो का कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि हमें ताकत नहीं, हमारा स्वास्थ्य खराब है। तो स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए ये हम लोगों का कर्तव्य है, और कर्तव्य क्योंकि जिस भगवान ने हमें जीवन दिया है उस भगवान ने ये नहीं कहा कि जाकर के उल्टे सीधे काम करो, नशा करो, या जो गलत काम कर रहा है उसको और बढ़ावा देते रहो कि ये और अच्छा करो। तो सभी जब जुड़े हुए हैं तो इस स्वास्थ्य से हम क्यों खिलवाड़ करें। विश्वविद्यालय की खबरों में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के साथ करेंगे फिर मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।